हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू के बारे में देखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू का मीनिंग हो गया ऐसा डिटरमिनेंट जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की संख्या दो हो। इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम की संख्या दो हो। डेफिनेशन, अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू इज रिटन एज, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, वेयर ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इट डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर ए डी माइनस बी सी। इन अदर वर्ड्स, इस डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑर्डर टू का है जिसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या दो है। फर्स्ट रो हमारा ए बी है और सेकेंड रो हमारा सी डी है। नंबर ऑफ कॉलम की संख्या यहाँ पे हमारा दो है, एक ए सी है और दूसरा बी डी है। तो इस तरह से ये ऑर्डर टू का हमारा डिटरमिनेंट है, या ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर टू है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसा कि डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यदि ऑर्डर टू का हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, ए इंटू डी ए डी एंड बी इंटू सी बी सी। ये तो इसकी वैल्यू की बात हो गई। अब इसकी साइन कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो साइन यूज़ करने के लिए यदि हम इस डिटरमिनेंट को कैपिटल ए से डिनोट करें और इसके एलिमेंट को ए वन वन, ए वन वन कहने का मीनिंग हो गया फर्स्ट सफिक्स हमारा बताता है रो और सेकंड सफिक्स हमारा बताता है कॉलम। ये हमारा रो है और ये हमारा सेकेंड सफिक्स बताता है कॉलम। तो फर्स्ट रो के जितने भी कॉलम हैं उनको हम लोग दिखा रहे हैं, ए वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ए वन टू का मीनिंग हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। दूसरे रो को हम लोग दिखा रहे हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये हमारा हो गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास रोज और कॉलम्स हैं उनको हम सफिक्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। फर्स्ट सफिक्स हमारा रो होगा और सेकेंड सफिक्स हमारा कॉलम को इंडिकेट करता है। अब इस कॉलम और रो की वैल्यूज को यदि हम लोग यहाँ पर चेक करें तो वन और वन ऐड करने पर ये हमारा टू होता है, जो कि इवन नंबर है। तो यदि सफिक्स की संख्या इवन नंबर हो तो इसकी साइन प्लस होगी, और यदि दोनों सफिक्स के एडिशन की वैल्यू ऑड हो तो इसका साइन नेगेटिव होगा। यहाँ पर हम लोग इसको ए डी माइनस बी सी लिखा है, क्यों लिखा है उसका रीज़न यही है, ए वन वन इवन है इसलिए जब फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका साइन हमारा पॉजिटिव हुआ। यही काम हमने यहाँ पे किया है ए इंटू डी, और इसका साइन हमने रखा है प्लस। लेकिन जब सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट से इसका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ सफिक्स की संख्या हो गई वन प्लस टू, दैट इज थ्री। तो ये थ्री हमारा ऑड नंबर है और ये हमारा टू इवन नंबर था। जब भी हमारा ये इवन आएगा उसकी साइन प्लस रखेंगे, और जब इवन हो तो उसकी साइन हम नेगेटिव रखेंगे। तो यहाँ पर बी और सी को जब मल्टीप्लाई किया तो इसके पहले हमने माइनस साइन रख दिया, और इसी मेथड्स को हम अदर प्लेस पर भी यूज करते हैं। हम या तो रो वाइज इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं या कॉलम वाइज कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम ही होगा। इस जगह पर हमने रो वाइज दिखाया है, इसको यदि हम कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा रिजल्ट वही आना है, चेक कर सकते हैं हम लोग। पहले हम रो वाइज देखते हैं, तो ये वन वन और इंटू ए टू टू, तो चूंकि ये मेरा इवन है इसलिए ए वन वन इंटू ए टू टू प्लस होगा, और ए वन टू ये हमारा ऑड है इसलिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन देंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने किया है। ये तो हो गए रो वाइज कैलकुलेशन। यदि इसी को हम कॉलम वाइज कैलकुलेशन करें, कॉलम वाइज कहने का मतलब इस तरीके से कॉलम करें मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम लिखेंगे ए वन वन, चूँकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन 2
टू टू के साथ होगा तो ये पॉजिटिव होगा। और अब जब ए टू वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू वन का जो सम है वो मेरा ऑड है और इसको मल्टीप्लाई करना है इस ए वन टू से, तो चूंकि ये ऑड है इसलिए इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। तो हमारा फाइनली कॉलम वाइज यदि लिखे तो हम लिखेंगे ए वन वन इंटू ए टू टू, चूंकि ए वन वन हमारा पॉजिटिव था, माइनस ए टू वन, ये नेगेटिव है, ये ऑड है इसलिए यहाँ पर हम माइनस साइन देंगे और ए टू वन इंटू ए वन टू लिखेंगे, ए वन टू। हम रो वाइज इसका कैलकुलेशन करें या कॉलम वाइज कैलकुलेशन करें, दोनों से रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। ऐसे भी आप यहाँ भी देख सकते हैं ए इंटू डी ए डी, चूँकि ये हमारा पॉजिटिव है, वन वन पॉजिटिव इवन आ रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा, और इससे यदि मल्टीप्लाई करें तो इसका सफिक्स होता है टू वन इसलिए ये नेगेटिव लिखा जाएगा और सी इंटू बी हमारा माइनस बी सी होगा। इस तरह से दोनों से रिजल्ट हमारा सेम ही मिल रहा है। तो ये इसका तरीका है साइन रखने का, और इसी साइन को दिखाने के लिए हमने इसको अलग से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाया था। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है कंप्यूट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कीजिए। तो जैसा ऊपर हमने देखा ये इसकी सफिक्स वन वन है, इवन है इसलिए थ्री इंटू सिक्स, थ्री इंटू सिक्स, और फाइव से करें माइनस टू को या माइनस टू को फाइव से मल्टीप्लाई करें। इसका जो सफिक्स होगा ये वन टू है और ये टू वन है, तो दोनों में से कहीं से भी किसी भी ऑर्डर में काम करें तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, ऑड की वजह से इसका एक साइन हो गया नेगेटिव, और फाइव इंटू माइनस टू इसको मल्टीप्लाई किया तो फाइव इंटू माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो एटीन, और इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस फाइव इंटू टू टेन, और फाइनली इसका रिजल्ट हमारा एटीन होगा। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर टू के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कंप्यूट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर ए बी ए बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का सफिक्स होगा वन वन, ए बी का सफिक्स होगा वन टू, ए बी का इस ए बी का सफिक्स होगा टू वन और इस बी स्क्वायर का सफिक्स टू टू। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको ऊपर के रूल के अकॉर्डिंग यदि मल्टीप्लाई करें तो चूंकि इसका सफिक्स हमारा इवन आ रहा है, वन प्लस वन हमारा इवन है, वन प्लस वन हमारा इवन आ रहा है, तो हम इसके आगे प्लस साइन लगाएंगे, प्लस सो नहीं करते हैं इसलिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। अब इस ए बी से मल्टीप्लाई करें या इस ए बी से करें, यदि इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका सफिक्स आ रहा है वन टू जो कि ऑड है इसलिए इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव रखा, देन ए बी, ये मेरा ए बी है और ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ और ए बी इंटू ए बी हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हुआ, हमारा जीरो आंसर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कंप्यूट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और इसका सफिक्स होगा ए वन वन, ये मेरा सेकेंड फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है, इसकी सफिक्स वन टू और यहाँ पर ये मेरा सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम और इसकी सफिक्स है टू वन और इसका हमारा सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम जिसकी सफिक्स टू टू दी हुई है। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें हमारा रिजल्ट क्या होगा, अल्फा प्लस आई बीटा, वन वन हमारा इवन है इसलिए इसका साइन पॉजिटिव, इस अल्फा प्लस आई बीटा को अल्फा माइनस आई बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इसकी सफिक्स हमारा ऑड हो रहा है तो इसकी वजह से हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाए हैं और इस गामा प्लस आई एस को इस माइनस गामा प्लस आई एस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी। अब ये मल्टीप्लिकेशन करने पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं ए प्लस आई बी
इंटू ए माइनस बी यदि दिया हुआ हो तो इसकी वैल्यू होती है अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग यदि अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा आई माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस जगह पे बाय मिस्टेक अल्फा लिखा गया है, ए स्क्वायर होगा और यहाँ पर बी स्क्वायर होगा। इसी तरह से इस गामा प्लस आई एस लिखा और इसमें से माइनस को यदि हम कॉमन कर दें तो माइनस हमारा वन कॉमन होगा, यहाँ पर प्लस और ये प्लस हमारा माइनस में कन्वर्ट होगा। इस माइनस वन को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये गामा प्लस आई एस गामा माइनस आई एस। अगेन इस रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी गामा स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्मूले से हमारा इन दोनों का स्क्वायर रिजल्ट आएगा, तो हमारा इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया गामा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट हमारा हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल फोर, कंप्यूट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट ओमेगा ओमेगा माइनस वन ओमेगा, इसके सफिक्स वन वन, इसके सफिक्स वन टू, इसके सफिक्स टू वन और इसके सफिक्स टू टू है। डायगोनल मल्टीप्लीकेशन करें, ओमेगा इंटू ओमेगा ये मेरा फर्स्ट वैल्यू हुआ, देन दिस ओमेगा चूंकि इसका सफिक्स वन टू ऑड है इसलिए नेगेटिव, ओमेगा माइनस वन ओमेगा इंटू माइनस वन, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू माइनस वन, माइनस माइनस हमारा प्लस, और ओमेगा इंटू वन ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो होता है, तो यदि इसमें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को रखें, प्लस वन को राइट साइड ले जाएं, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन। कहीं पर आंसर में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा भी दिया हो सकता है, या इसकी जगह पे हम माइनस वन भी इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा है तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, दोनों ही सही है। यदि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा दिया हुआ है ये भी सही है, और इसको यदि इस फॉर्मूले से माइनस वन में कन्वर्ट किया गया है ये भी सही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कंप्यूट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट एक्स माइनस वन वन एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन। सिंपली ये प्लस होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये मेरा माइनस होगा और माइनस वन को एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू ही हमारा आएगा। इस एक्सप्रेशंस को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू होगी एक्स क्यू माइनस वन माइनस एक्स क्यू, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें फाइनली मिलेगा एक्स क्यू माइनस वन माइनस एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमारे पास आंसर हो गया माइनस वन। लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल सिक्स, कंप्यूट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट में वन माइनस टी स्क्वायर बाई वन प्लस टी स्क्वायर, टू टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर बाई वन प्लस टी स्क्वायर, और ये मेरा प्लस है इसलिए प्लस साइन दिया, और इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिल गया, और इसके साथ जब इसकी मल्टीप्लीकेशन हुई तो नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इसका सफिक्स का सम हमारा ऑड आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया टू टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करने पर वन माइनस टी का टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी स्क्वायर इन इस पूरे का होल स्क्वायर होगा माइनस टू टी, और ये माइनस है तो इस माइनस को यदि इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे प्लस, तो ये हो गया टू टी का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लिख सकते हैं टू टी बाई वन प्लस टी का टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये तो हमारा वन प्लस वन माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर ही होगा, और ये हमारा टू टी का स्क्वायर हमारा फोर टी स्क्वायर होगा। इन दोनों को यदि हम कॉमन ले लें
तो 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये वैल्यू मिलेगा। इसको यदि हम सॉल्व करें तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल का होल स्क्वायर होगा, जो कि इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को यूज़ कर हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये तो पहले से ही स्क्वायर था। इन दोनों को कैंसिल किया, 1 मिल गया। थैंक यू।